हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर फोर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखे थे चैप्टर वन टू और थ्री, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टर फोर जो कि मैप्स के बारे में है। ठीक है, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैप्स के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला मैप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैप के बारे में, मैप का टाइप्स, कितने टाइप्स के मैप होते हैं, और उसके बाद मैप के टाइप के बाद हम लोग देखेंगे कि मैप्स का क्या क्या कंपोनेंट्स है। मैप्स के कंपोनेंट के बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस कैसे हम लोग मेजर करते हैं स्केल से, है ना। उसके बाद डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि कार्डिनल पॉइंट्स, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोग सिम्बॉल्स के बारे में डिटेल से हम लोग यहाँ पे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन मैप होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जब मैप की बात करते हैं तो मैप जो होता है एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग होता है। तो किस चीज का होता है, तो ये अर्थ सरफेस का होता है। तो अर्थ सरफेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है या ड्रॉइंग होता है उसी को हम लोग मैप कहते हैं, है ना। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो होता है अर्थ के फ्लैट सरफेस जो कि स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्रॉइंग होता है, स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, है ना। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है, ये कभी भी ये जो फ्लैट फ्लैटेंड होते हैं ये राउंड शेप का कभी नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरह से इसी को हम लोग मैप कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं मैप क्या होता है। तो मैप जो होता है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है या ड्रॉइंग होता है, तो किस चीज का, तो अर्थ का होता है, है ना। या एक तरह से ड्रॉइंग होता है फ्लैट सरफेस का जो कि स्केल के अकॉर्डिंग जिसको कि हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ था, लेकिन ये कभी भी, ये जो फ्लैटेंड होता है ये कभी भी राउंड शेप का नहीं होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि इम्पॉसिबल टू फ्लैटेंड ए राउंड शेप। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि मैप के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब और मैप आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या है कि जब हम मैप के बारे में बात करते हैं ना, तो मैप जो होता है ना आपका, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। आप जब मैप देखिएगा उसमें बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपेरिजन टू ग्लोब, है ना। तो देखिए मैप जो होता है ये मतलब जस्ट लाइक एक पेज ऐसे होता है। ठीक है, आप इसमें ड्रॉइंग किया हुआ रहता है सारा चीज में। ठीक है, और ग्लोब की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो ये चीज था ग्लोब और मैप के बारे में जो डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जो सीनियर क्लासेस हैं जैसे सेवंथ है या एट्थ है, ठीक है, सेवंथ में नहीं हम कह सकते हैं, आगे चल के आप जाइएगा टेंथ में तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इन डिटेल से। अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि मैप जो होता है आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपेरिजन टू ग्लोब, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के मैप होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के मैप होते हैं, देखिए देखने कहने का तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं मैप्स के, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैप का, तो मैप जो होता है ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के मैप होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा टाइप है, तो पहला जब हम बात करते हैं तो वो होता है फिजिकल मैप। देखिए नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल मैप। ठीक है, बताएंगे आगे क्या होता है फिजिकल मैप। उसके बाद जाकर के हमारा क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप के बाद आपका क्या होता है, तो थेमेटिक मैप होता है ना। ये तीन टाइप के हम मैप के बारे में जानेंगे। देखिए फिजिकल मैप, देखिए नाम से ही हम बताए थे कि जो फिजिकल चीज जो हमारा अर्थ है, अर्थ के फिजिकल, तो फिजिकल अर्थ का क्या हो जाएगा, नेचुरल चीज, है ना। तो नेचुरल लाइक नेचर से रिलेटेड होगा, जैसे कि नेचर, जैसे माउंटेन, दैट इज अ नेचुरल चीज, है ना। उसके बाद प्लेटियो, पठार, है ना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्लेटियो के बाद आपका प्लेन, है ना। उसके बाद रिवर, ओशियन, तो इसी तरह से जो भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, तो उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी मैप में, अगर मैप बनाते हैं यदि हम, ठीक है, प्लेटियो को दिखा रहे हैं, ठीक है, माउंटेन को दिखा रहे हैं, प्लेन्स को दिखा रहे हैं, ओशियन को दिखा रहे हैं,
ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे हैं क्या चीज, तो फिजिकल मैप बोलते हैं। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कि आखिर कैसा होता है फिजिकल मैप। देखिए ये जो है आपके स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या आने की फिजिकल चीजें, ठीक है, ये इंडिया का एक फिजिकल मैप है, ठीक है, और इसमें इंडिया के जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिवर, ठीक है, ओशियन है ना, और उसके बाद देख करके ओशियन के बाद आपको प्लेटियो देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सारे चीज, ये जो मैप है, ये मैप, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मैप, है ना। तो इसी तरह से फिर जब हम फिजिकल मैप की बात करते हैं, तो फिजिकल मैप आप देखें कि फिजिकल मैप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल मैप में आपने क्या देखा, रिवर देखा, प्लेन देखा, ओशियन देखा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीफ मैप। क्या बोलते हैं, रिलीफ मैप बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो मैप आता है वो पॉलिटिकल मैप। तो देखिए पॉलिटिकल मैप की जब बात करते हैं, तो एक ऐसा मैप जिसमें आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली, देखिए इसमें ये जो मैप है, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिटीज दिखाया गया है, पर्टिकुलरली इंडिया का एक, देखिए पॉलिटिकल मैप है, और इसमें देखिए इंडिया के जितने भी सिटीज हैं, ठीक है, लाइक आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या है, सब स्टेट है, ठीक है। तो ये सब दिखाया जाता है इसमें, किसमें, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप में। और क्या दिखाया जाता है, तो पॉलिटिकल मैप में आपको टाउन्स दिखाया जाता है, सिटीज दिखाया जाता है, विलेज दिखाया जाता है, और उसके बाद जाकर के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो बाउंड्री है, ठीक है, चाहे वो देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना का यहाँ बाउंड्री, ठीक है, उसके बाद एक इधर पाकिस्तान इंडिया और के बीच का बाउंड्री, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का बाउंड्री तक, ठीक है, बाउंड्री भी दिखा रही है यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। तो ये सब दिखाया जाता है किसमें, तो ये आपका दिखाया जाता है पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल मैप की जब बात करते हैं, तो पॉलिटिकल मैप में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, तो पॉलिटिकल मैप में आपको सिटीज का, टाउन्स का, विलेज का, उसके बाद जाकर के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट कि जो बाउंड्री होते हैं उसको दिखाया जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। तो इस तरह से जब आप मैप, जब मैप आप बनाइएगा, तो क्या होगा, किसी किसी स्पेसिफिक चीज को दिखाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। जो थियोमेटिक मैप होता है ये किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप सेंसस, मतलब आपको सेंस करना है, ठीक है, जनगणना करने के लिए आपको बोला गया है, आप देखे होंगे उसके आपके पास वहां पे जो घर है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपको, आप उस मैप में क्या दिखाइएगा, या घर को दिखाइएगा, है ना। तो इस मैप हो गया, ठीक है, उसके बाद देख करके आपको फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या इंडस्ट्रीज को, ठीक है, पर्टिकुलरली एक किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिस मैप में। तो उस तरह के जो, वो जो मैप होते हैं, उस तरह से जो मैप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, थेमेटिक मैप बोलते हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए हम जिस मैप का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं थेमेटिक मैप, ठीक है। चाहे उसमें कुछ भी स्पेसिफिक चीज हो, हमें किसी रोड को दिखाना हो पूरे, जैसे सपोज के लिए दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली में यदि हम कहेगा एक ऐसा मैप बनाइए जिसमें कि आपको मेट्रो स्टेशन दिखाना है दिल्ली में, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन से, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया थीमेटिक मैप, है ना। तो क्योंकि आप उसमें एक ही किसी चीज के इंफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हमारा वो जो मैप होगा क्या होगा, वो होगा हमारा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हमने देखा जो पर्टिकुलरली मेन रूप से हम तीन मैप के बारे में जाने, कौन कौन सा मैप, तो पहला जो मैप था हमारे पास, तो ये फिजिकल मैप के बारे में देखें, ठीक है, तो जिसमें कि हम लोग जो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, जो अर्थ के नेचुरल चीजें हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटी हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें दिखाया गया फिजिकल मैप में। उसी तरह से पॉलिटिकल मैप की जब बात करते थे, तो इसमें हम लोग सिटी, टाउन, विलेज, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट के बीच का जो बाउंड्री है उसको देखे थे, दिखाते हैं, है ना। उसके बाद थीमेटिक मैप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी चीज का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यदि मैप पे दिखाना होगा तो उसे क्या बोलते थे, तो थीमेटिक मैप बोलते थे, ठीक है। तो ये था हम लोगों ने मैप के डिफरेंट टाइप्स को देखे, ठीक है, तीन टाइप्स को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं, जब मैप बनाएंगे तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी, तो देखिए जब हम बात करते हैं जो कंपोनेंट्स हैं मैप का, हमें तीन चीज की आवश्यकता होती है,
ठीक है, पहला डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलरली क्या चीज का, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, सिंबल। ये जो तीन कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये मैप्स का तीन कंपोनेंट्स है, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो है स्केल के बारे में। देखिए जनरली जो स्केल होता है, अब एक चीज बताइए, क्या मतलब जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में जो मान लीजिए कि कुछ चीज का मैप बना रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए हम दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, जितने भी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है, चाहे आपका ये राजीव चौक हो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली का मेन जो मेट्रो स्टेशन का एक जंक्शन है, ठीक है, सबसे बड़ा जंक्शन, तो वो राजीव चौक को ही माना जाता है, ठीक है, तो राजीव चौक है, ठीक है। अब राजीव चौक को मतलब सपोज कीजिए जितना भी मेट्रो स्टेशन है सभी को दिखाने के लिए बना गया है एक मैप के थ्रू, ठीक है, आप थियोमेटिक मैप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए राजीव चौक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, कितना वो डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, उसका लेंथ कितना, मतलब कितना एरिया कवर किया होगा, तो पर्टिकुलरली क्या लगता है आपको, किसी पेपर, अगर एक पेपर दिया जाएगा तो क्या पेपर पे आप इस चीज को दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि डायरेक्टली उतना प्लेस का, उतना बड़ा पेपर, उतना साइज का, ठीक है, पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एक मैप का यूज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि अगर 5 किलोमीटर अगर मैप मतलब एक 5 सेंटीमीटर यदि मैप पे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको 5 किलोमीटर, ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ये मैप इसी तरह से यूज किया जाता है स्केल का, ठीक है, इसी स्केल्स का यूज किया जाता है। अगर एक्चुअल में हम, ठीक है, 5 किलोमीटर अगर किसी पेज पे दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि 5 किलोमीटर का पेज आपके पास अवेलेबल होगा? नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम अगर लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो जाता है 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम पेज पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लेंथ अगर लंबाई खींचेंगे या विड्थ खींचेंगे, तो इस केस में हमारा क्या दिखाएगा उसको, ये जो 5 सेंटीमीटर दिखाएगा ये 5 किलोमीटर को दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही होता है, देखिए स्केल्स क्या होता है, कहता है स्केल जो होता है रेशियो होता है किसके किसके बीच, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है और उस एक्चुअल डिस्टेंस कहाँ पे, जो ग्राउंड है और उसके बाद जाकर के जो हम मैप पे दिखाते हैं उसके बीच का रेशियो होता है, यानी कि स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। तो ये चीज था। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए स्केल्स का भी यहाँ पे टाइप दिखाया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ऑल स्केल्स की बात करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, जब हम किसी कंटिनेंट या कंट्रीज को, ठीक है, हम पेपर पे दिखाते हैं तो हम स्मॉल स्केल्स का यूज करते हैं। और इस केस में क्या करते हैं, जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर लिख दिए तो ये दिखाएगा किस चीज को, तो 500 किलोमीटर को दिखाएगा। यदि हम मैप पे कोई 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का कुछ भी चीज मेजर किए हैं, ठीक है, जो पेज है हमारा पेपर, ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर दिखाए हैं तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, ये जो एक्चुअल है यानी ग्राउंड लेवल पे ये 500 किलोमीटर को दिखाएगा, ठीक है। तो इस जो मैप होते हैं इसे बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में क्या करते हैं कि देखिए इस केस में जो विलेज होते हैं, टाउन होते हैं, तो इस चीज को हम अगर पेपर पे दिखाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो मैप होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो स्केल्स का हम जिस स्केल्स का यूज करते हैं उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या है कि इस केस में अगर हम 5 सेंटीमीटर का कोई चीज को मेजर किए हैं, ठीक है, पेज पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पेज पे किसी चीज को मेजर किए हैं, तो इस केस में क्या दिखाएगा, ये जो दिखाएगा ग्राउंड लेवल पे ये क्या कितना दिखाएगा, ये 500 मीटर को दिखाएगा एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह के जो मैप होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लार्ज, इस तरह के जो स्केल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, है ना। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने देखा स्केल के टाइप, यानी कि दो टाइप के स्केल्स थे, एक स्मॉल स्केल मैप और दूसरा लार्ज स्केल मैप।
स्मॉल स्केल मैप में क्या देखे हम, स्मॉल स्केल मैप में देखे कंट्रीज कंटिनेंट्स को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग स्केल का यूज जो करते हैं, वहां पे हम 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, तो 500 किलोमीटर को, है ना। उसी तरह से लार्ज स्केल में हम लोग क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, विलेज या टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से जो ये जो होता है पर्टिकुलरली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या दिखाते हैं, 500 मीटर दिखाते हैं एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है हमारी अगला, यहाँ पे कुछ देखिए डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस आप जानते होंगे, ठीक है, जब डायरेक्शंस की बात करते हैं क्या होता है कि देखिए ऐसे हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर जो होता है पर्टिकुलरली ये आपको नॉर्थ को दिखाता है और इसके जस्ट अपोजिट साउथ को दिखाता है। इसी तरह से फिर हम आगे बात करते हैं तो आपके जो राइट साइड होंगे, ठीक है, आपका जो राइट हैंड होगा वो हमेशा ईस्ट साइड डायरेक्शंस को दिखाएगा, उसी तरह से आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट डायरेक्शंस को दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैप में भी इसी चीज को फॉलो किया जाता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शंस का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है, मैप बनाने में डायरेक्शंस का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ठीक है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है मैप में, ठीक है। उसके बाद जो कि साउथ डायरेक्शन में दिखाता है साउथ डायरेक्शन, ठीक है, उसी तरह से जो ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से दिखाता है ईस्ट को, उसके बाद जाकर के वेस्ट में दिखाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन को, ये अपर हैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आगे हम बात करते हैं और ये जो है, ठीक है, कॉर्नर इस साइड से, ठीक है, ये जो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन बनता है, ये वाला एरिया ये क्या कहलाता है, इधर से आपका नॉर्थ और इधर से आपका ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड इस डायरेक्शन में दिखाएगा तो आपको क्या चीज दिखाएगा, ये आपका हो जाएगा साउथ, ये वाला आपका ईस्ट और ये साउथ, ठीक है, या साउथ ईस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है। उसी तरह से हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है, SW इसके शॉर्ट में। अब इस तरह से इधर चले जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, NW, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये आपको कितना डायरेक्शन मिला, देखिए ये चार, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। उसी तरह से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, तो ये आपका डायरेक्शन देखने को मिला, टोटल मिला कर कितना, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद जाकर के आपका टोटल मिला करके 8 डायरेक्शंस देखने को आपको मिला, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ये हम लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट के अलावा, ये जो एक्स्ट्रा आपने डायरेक्शन देखा, ठीक है, चाहे वो साउथ वेस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट हो, तो इस तरह के जो डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या कहते हैं हम लोग इसी को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे एकदम सुंदर सा मैप बनाया गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं या कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं और ये जो डायरेक्शंस है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए आता है जब एक चीज देखिए यहाँ पे दिखाया गया मैप में, ये कंपास, ठीक है, ये कंपास है और कंपास को जब आप फ्रीली छोड़ दीजिएगा, ठीक है, फ्रीली किसी सरफेस पे रखिएगा तो वहां पे हमेशा उसका जो आपको सुई होगा, निडिल होगा, वो हमेशा एक नॉर्थ और दूसरा साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ, बशर्ते कि उस पर एक्स्ट्रा कुछ फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये था कंपास के बारे में। अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं पर्टिकुलरली कुछ सिंबल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए सिंबल्स जो होता है, जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स, ठीक है, सपोज कीजिए कोई सिंबल्स हम किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कुछ चीज है, रोड है, ठीक है, अच्छा ये रोड को उसको आप एक सिंपल सा बात सोचिए कि आप रुपये पैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपीज का कोई नोट्स है, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज का नोट्स है
और वो 10 रुपीज का नोट आप सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है, और मतलब आप यूज करते हैं उसके साथ साथ पूरे कंट्री में वही 10 रुपीज का, जैसे कि आप पीके मूवी देखे होंगे तो वहां पे जो था, जो आप देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली उसी तरह से मेटल और अनमेटल रोड के टाइप, ठीक है, अगर मेटल होगा तो इस तरह से दिखाएंगे और अनमेटल होगा तो इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से देखिए बाउंड्री की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इंटरनेशनल होगा तो इस तरह से दिखाएंगे, उसके बाद जाकर के आपका स्टेट का होगा तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद जाकर के डिस्ट्रिक्ट का होगा तो इस तरह से दिखाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो सिम्बॉल्स है, ठीक है, हम इस सिम्बॉल्स का यूज करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज है उसको दिखाने के लिए मैप पे, है ना। तो ये जो है हमारा एक कन्वेंशनल सिंबल्स है। देखिए जैसे कि पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखते हैं, पीटीओ लिखते हैं, कहाँ पे, तो मैप पे, जो पेज पे हम मैप ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हम अगर पीओ लिख देंगे तो समझ पोस्ट ऑफिस के लिखा गया, पीटीओ जानते हैं। इससे क्या होता है कि जो पेज पे स्पेस है उसका बचत हो जाता है ना। अब मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे पीओ लिखते हैं, पीओ के बदले अगर पोस्ट ऑफिस लिखते हैं, तो आप जरा सोचिए कितना स्पेस ले रहा है, इतना ज्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफिस लिखे हैं तो इतना स्पेस कवर करेगा, मान लीजिए कितना हैंडराइटिंग छोटा होगा, फिर भी बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा। अगर इसी चीज को सिर्फ पीओ लिखेंगे, अगर सामने वाला इस पीओ को समझ जाए पोस्ट ऑफिस पीओ का मतलब, तो कितना स्पेस का बचत होगा, इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि इसीलिए हम लोग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं ताकि जो हमारा पेज है जहाँ पे हम मैप ड्रॉ करते हैं वहां पे स्पेस बचे, ज्यादा से ज्यादा चीज हम वहां पे दिखा सके, है ना। तो इसीलिए हम लोग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं, और इस सिम्बॉल्स को जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे इसको मान्यता मिला होता है, एग्रीमेंट होता है कि मान लीजिए अगर हम ये सिम्बॉल अगर पीटीओ लिखेंगे तो पीटीओ का मतलब होता है प्लीज, आपका क्या होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस होता है, अगर पीएस लिखेंगे तो इसका मतलब होता है पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको वैलिड किया जाता है, है ना। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है एक किसी विलेज का मैप है और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, ठीक है, उसको दिखाया गया है यहाँ पे सिम्बॉल्स का यूज करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स आपने वहां पे सीखा, तो उसके देखिए यहाँ पे ये ट्री का सिम्बॉल्स हो गया, और उसके बाद देखिए ये रेलवे लाइंस का सिम्बॉल हो गया, ठीक है। ये देखिए रोड का सिम्बॉल्स हो गया, है ना। तो ये देखिए स्कूल, देखिए ये पीएस लिखा है यानी पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आरएस लिखा है, आरएस का मतलब यहाँ पे क्या देखे थे हम लोगों ने, आरएस का मतलब क्या देखे थे यहाँ पे, देखिए आरएस का मतलब हम लोगों ने देखा था रेलवे स्टेशन, है ना। तो इस तरह से इस मैप में आप देखें सारा चीज, है ना। अब देखिए आगे क्या है, अब स्केच के बारे में थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है कि स्केच क्या होता है। देखिए स्केच की जब बात करते हैं, जब हम किसी चीज को, ठीक है, जब हम ड्राइंग, ठीक है, मेनली हम मेमोरी के बेस पे और स्पोर्ट्स कर देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं जहां पे कहां पे एक रफ पेज पे, ठीक है, क्या क्या दिखाना है, सिंपल सा एक मतलब होता है, यानी कि पहले कोई चीज अगर मैप ड्रॉ करेंगे तो मैप ड्रॉ करने के पहले एक अपने माइंड में स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज को यहाँ दिखाना है, सपोज कीजिए एक पेज लेंगे रफ पेज और इस पे अपने माइंड से, ठीक है, देखेंगे कि अब मान लीजिए इस मैप में यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे रोड होगा, यहाँ पे स्केल्स होगा, ठीक है, विदाउट मेजरिंग का, ठीक है, रफ पेज पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, और उसमें भी फ्री हैंड से कोई स्केल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मेनली मेमोरी पे बेस्ड होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्केच बोलते हैं, स्केचिंग करना, है ना। स्केच हमेशा फ्री हैंड से होता है, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, है ना। तो देखिए ये था हमारा स्केच। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा और बच गया है कि प्लेन क्या होता है। देखिए जब प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन क्या होता है, प्लेन जो होता है कि एक ड्राइंग होता है, ठीक है, स्मॉल एरिया का, कहाँ पे कि लार्ज स्केल्स, है ना। तो ये जो होता है लार्ज स्केल्स का क्या करता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, इसी को तो हम लोग प्लेन कहते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आगे हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में हमें दिया गया है इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो मैप के 3 कंपोनेंट्स हमने क्या देखा, तो डायरेक्शन, डिस्टेंस, है ना, डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन डिस्टेंस
और उसके बाद क्या देखें हम सिंबॉल्स, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स है आपका किसका, मैप का। उसके बाद जाकर के व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, तो फोर कार्डिनल डायरेक्शंस क्या हो गया, ये हो गया आपका। देखिए ये हमारा किस चीज को दिखाता है, तो ये आपका दिखाता है नॉर्थ को और नीचे वाला साउथ को। तो ये जो हमारा ये हो गया, ये वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला जो डायरेक्शंस होगा, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसी तरह से ये आपका हो गया साउथ ईस्ट, ये वाला जो डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट। उसके बाद जाकर के ये वाला जो हो गया, ये जो डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये कितने डायरेक्शन है, 1 2 3 4, फोर डायरेक्शन है टोटल मिला करके। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उसके बाद जाकर के आपका नॉर्थ वेस्ट। ये चार डायरेक्शन है आपका कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। तो चलिए अब देखिए अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कहता है हाउ डू यू मीन बाय टर्म द स्केल ऑन ऑफ द मैप। हमने देखा जिसके थ्रू कि हम मेजर करते हैं, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस होता है उसको एकदम स्मॉल, ठीक है, और स्मॉल स्केल्स पे दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्चुअल, उसके बाद देखकर के हमने देखा स्केल्स दो टाइप के होता है, ठीक है, एक लार्ज स्केल मैप और उसके बाद दूसरा होता है हमारा स्मॉल स्केल्स मैप, ठीक है। तो पहला लार्ज स्केल्स मैप में हम क्या देखे थे, लार्ज स्केल्स मैप में हम देखे थे जो विलेज होता है, ठीक है, या विलेज या टाउन्स, ठीक है, उसको हम लोग दिखाते हैं, है ना। और इसी तरह से जो स्मॉल स्केल्स मैप होता है उसपे कंट्री कंटिनेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया हमारा जो स्केल्स है, ठीक है, स्केल्स ऑफ मैप के बारे में। उसके बाद देखिए देखिए कहता है कि जो मैप होता है किस तरह से ग्लोब से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, कैसे आपको ज्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल, मैप में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कंपेरिजन टू ग्लोब, आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए कहते हैं विच मैप प्रोवाइड डेल इन्फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है। तो देखिए जब हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो आपको पोलिटिकल मैप प्रोवाइड करते हैं, सर मैप, डिटेल इन्फॉर्मेशन, सॉरी, जब डिटेल है तो जो स्पेसिफिक मैप होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किसमें किया जाता है, तो किसी स्पेसिफिक, जैसे कि हमारा थीमेटिक मैप होता है, मैप में ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को पर्टिकुलरली हम, हाउ डू सिम्बॉल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स, कहता है सिम्बॉल्स कैसे मैप में मैप को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करता है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा सिम्बॉल्स होते हैं, सिम्बॉल्स में जो होते हैं पर्टिकुलरली, अगर मान लीजिए पीओ लिख दिए, ठीक है, तो पीओ लिख दिए तो देखिए सिंपल सा, अगर सब ये समझ रहे हैं पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो इससे क्या होगा, तो हम मैप पे हम क्या दिखाएंगे, पीओ। अगर पीएस लिख दिए तो इसका मतलब पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, स्पेस का बचत होता है, ठीक है। उसके बाद देख करके समय का बचत होता है, ज्यादा चीज नहीं लिखना पड़ेगा, कम चीज हम लिख करके सामने वाले को बता देंगे, है ना। तो ये चीज होता है कि एक तो स्पेस का, टाइम का सेविंग होता है, ठीक है, और ये चीज होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिम्बॉल्स को हम लोग इसीलिए यूज करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं कुछ, देखिए कहता है क्या कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन किसमें दिखाते हैं, जो हमारा फिजिकल मैप होता है, देखिए ये पहला वाला। उसके बाद है ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, अब ब्लू कलर किस चीज के लिए दिखा, बॉडीज के लिए दिखाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे कंपास इज यूज, तो कंपास किस लिए यूज किया जाता है, तो कंपास को यूज किया जाता है डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं टू शो सिंबल्स, टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, टू मेजर द डिस्टेंस, टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, है ना। अब देखिए स्केल इज नेसेसरी, कहता है स्केल्स के लिए क्या जरूरी है, फोर मैप, ठीक है, स्केल इज नेसेसरी, किसके लिए जरूरत है, फोर मैप के लिए, फोर स्केच के लिए, फोर सिंबल्स के लिए। देखिए ये स्केच जो होता है फ्री हैंड से होता है, उसके बाद देखिए सिंबल्स, इसके लिए तो कोई मैप का आवश्यकता ही नहीं होता, यानी इसके लिए यूज होता है मैप बनाने के लिए, हम लोग स्केल्स का यूज करते हैं। और स्केल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर्स में कुछ भी इस तरह से नहीं बचा है, कोई भी कॉन्सेप्ट, आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है। ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर फोर्थ था, ठीक है, यानी जो चैप्टर फिफ्थ होगा उसमें हम लोग देखेंगे अगला क्या टॉपिक है और उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।